जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 विविध प्रश्नावली अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति अपने चार मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके चार दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है तथा उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक प्राप्त पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यह कल्पना करके कि श्रृंखला न टूटे तो आठवें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है। देखो बेटा, एक ने ट्राई कुछ ऐसा, मतलब अच्छा समझ लीजिए, कोई स्लोगन है, कुछ भी है, चार फ्रेंड्स को भेजा, ठीक है। अब उन चारों को बोला तुम भी चार चार को भेजो। अब उन्होंने भी चार चार को भेजी, ठीक है ना। अब उन्होंने भी अपने जिनको भेजा उनको बोला कि तुम भी चार। अब हमें इमेजिन क्या करना है कि इनमें से कोई भी सुस्त नहीं पड़ा और ये जो चेन थी ये कंटिन्यू रही। ये बात सबसे बड़ी है जो हमें याद, मतलब इमेजिन करनी है। ऐसे तो होता नहीं है कि कोई एक सब मान जाए बात, कोई ना कोई ड्रॉप कर ही देता है, बट हमें ये लेकर चलना है कि सबने अपना काम बखूबी किया। इंग्लिश में भी पढ़ दूं, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू फोर ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू फोर डिफरेंट पर्संस विद इंस्ट्रक्शंस दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन एंड दैट इट कॉस्ट 50 पैसा टू मेल वन लेटर, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नाउ, एक व्यक्ति, चार मित्र, एक ने चार को भेजा, कितने लेटर हो गए? 4 letters, ठीक है। और चार लेटर 50 पैसे के हिसाब से 2 रुपए के पड़े। अब उन चार जो लेटर्स थे वो चार फ्रेंड्स के पास पहुंच गए, चार मित्र हो गए। अब इन चार मित्रों ने चार चार मित्रों को भेजे, यानी 16 फ्रेंड्स को 16 letters गए, है ना। अब इन 16 फ्रेंड्स ने और चार लोगों को भेजे, अब 64 letters गए और 64 फ्रेंड्स के पास गए, मतलब 64 लोगों के पास 64 पत्र पहुंच गए। अब उन 64 लोगों ने फिर चार लोगों को भेजे, है ना। तो इस तरह से 256 लोगों को 256 letters पहुंच गए। और ऐसे कहां तक करना है? 8 set बनाने, यानी 8 steps तक आपको जाना है, ठीक है। अब ये एक सीरीज तैयार हो गई है, है ना। फर्स्ट सीरीज में क्या है बेटा? 4 है, देन 16, देन 64, देन 256 एंड सो ऑन। एक सीरीज रेडी हो गई है ना। इसमें ए क्या है? 4 है, और कॉमन रेशियो आपका ये भी 4 है, और इसका मतलब R1 से ग्रेटर है। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 times ऐसा होगा तो कितने लेटर्स तब तक पहुंच चुके होंगे। इसको बेटा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैलकुलेट करने से आ गया 87380, 87380, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास एक व्यक्ति आया, तो राजा बड़ा दानवीर था, तो उसको घमंड था, मैं बहुत दान करता हूँ। तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने, कि मैं आपका घमंड तोड़ सकता हूँ। बोले, नहीं, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो चेस होता है ना, चेस बोर्ड के एक खंड पे एक दाना रख दो, पहले खंड पे एक गेहूं का दाना रख दो, इधर जो आएगा इसका डबल कर देना, फिर यहाँ पर इसका डबल कर देना, फिर यहाँ पर इसका, कितने होते हैं टोटल? 64 होते हैं ना। लास्ट कॉलम तक पहुंचते राजा का खजाना खाली हो चुका था, ठीक है। करके देखना कभी, मींस इतने लेटर्स पहुंच चुके हैं अब तक, ठीक है। और एक लेटर को भेजने की कॉस्ट कितनी है बेटा? 50 पैसे। 50 पैसे को अपॉन में लाओगे तो 1/2 rupees, है ना। तो टोटल कॉस्ट इसकी 1/2 हो गई, मतलब 43,690 rupees लग जाएंगे, ठीक है ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, हियर इट इज। एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो गई, ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक चीज़ मैं पहले से ही बता दूं आपको, 15वें वर्ष में का मतलब है 14 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी कि 15th term।
यहाँ पर क्या है, 20 वर्षों के बाद यानी कि 21st टर्म, ध्यान रखना बेटा, 15वें वर्ष यानी कि 14 वर्ष के बाद, है ना, और 20 वर्षों के बाद यानी कि 21वें साल में, गॉट इट। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 21st ईयर में कितना अमाउंट होगा। यहाँ पर आपको A21 चाहिए और यहाँ पर आपको A15 ही चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज का फेर है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए, और एग्जाम में ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन कॉपी हो जाए, इस जैसा कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, तो लैंग्वेज की बारीकी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नाउ डिपॉजिटेड अमाउंट, डिपॉजिटेड लिख दो, डिपॉजिटेड अमाउंट ₹10,000 जमा की गई राशि, रेट कितनी है 5% पर एनम, एक साल के बाद ब्याज कितना होगा 500, है ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10,500, है ना। अब ये जो 10,500, ये 10,500 ही रहेगा, ये कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, अभी अगले साल फिर 500 ही रुपए मिलेगा उसको, तो हो जाएगा 11,000, फिर उसको 500 ही रुपए मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सरल ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 500 यूनिफॉर्मिटी से बढ़ेगा, तो सीरीज विल बिकम 10,000, 10,500, 11,000, 11,500 एंड सो ऑन। सी हियर, सीरीज इज दिस, है ना, इसमें ए कितना बेटा 10,000, डी कितना 500, यहाँ पर हमें यूनिट नहीं लिखना है। अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल में मिश्र धन, ए प्लस एन माइनस वन डी तो फॉर्मूला है, है ना, ये आपको वाइटनर दिख रहा है ना, मैंने ए पी लगा दिया था, ओके। तो ये 10,000 प्लस इस तरह से अप्लाई कर दिया, कितना आ गया 17,000। अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, 20 साल बाद यानी 21वें साल में, तो 21 होगा A21, ठीक है, तो A प्लस 21 माइनस 1D, सो 10,000 प्लस 10,000 जस्ट डबल, 20 साल बाद कोई भी राशि डबल वैसे भी हो ही जाती है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य ₹15,625 है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है, 5 साल बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी मशीनरी आप लेते हो ना, उसकी वैल्यू हर साल कम होती है, शोरूम से उठाते ही कम हो जाती है। इंग्लिश में, अ मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625 विल डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के भी एक से ज़्यादा मेथड सभी के होते हैं, इसके भी हैं, तो जो इस समय मुझे सबसे अच्छा लग रहा है और इजी लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने पहले तो लिख लो वैल्यू, अभी वैल्यू कितनी है इस समय प्रेजेंट ईयर में, ठीक है, इसको V1 कह दो, चलो प्रेजेंट ईयर में, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 15,625, ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षय कहते हैं शायद, क्षय क्षय, ठीक है, क्षय होने की जो दर है ना किसी चीज़ की, कीमत कम होती है, डाउन हो रही है, कितनी हो रही है 20%, हर साल उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि 5वें साल कितनी रह जाएगी, हर साल 20% गिर रही है, 5वें साल कितनी रह जाएगी। आपको देखो, मैं जो सबसे इजी मेथड है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ, आप एक फॉर्मूला याद रख लेना, इसको V0 कह दो, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V0 वन माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, ठीक है बेटा। V मतलब क्या, वैल्यू, कीमत, कीमत को V बोल देंगे, वैल्यू, ठीक है, और डेप्रिशिएशन है तो नेगेटिव मतलब माइनस होगा, ह्रास होगा उसका, हाँ क्षय नहीं, ह्रास, ह्रास वर्ड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो
तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं आफ्टर वन ईयर कितना है 15625, एक साल के लिए करते हैं, यहाँ पर हम टी लेते हैं वन, ठीक। तो 1 - 20/100 - 1 है ना, यहाँ लिख देंगे आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद। अब हम लेते हैं आफ्टर टू ईयर्स, दो साल के बाद 15625, 1 - 20/100 - 2। इसके बाद हम लिख देंगे आफ्टर थ्री ईयर्स होगा 15625, 1 - 20/100 - 3, है ना। तो अब इसमें क्या है, ये तो हम डायरेक्ट 5 करके निकाल सकते हैं ना, बट हमें इसको अपने एपी में और जीपी में कन्वर्ट करना, आइदर इन एपी और इन जीपी, जिसमें हो जाए। तो 2 - 1 = 2, 2 कितना हो गया 1 - 1/5, दैट मीन्स 4/5, ठीक है बेटा। यहाँ पर 15625 4/5 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 15625 4/5 क्यूब, गॉट इट। अब यहाँ लिखेंगे सीरीज विल बी, ठीक है, या श्रेणी होगी, लिख देंगे यहाँ पर श्रेणी होगी, ठीक। क्या होगी 15625 इंटू 4/5, है ना, प्लस 15625 इंटू 4 square upon 5 square प्लस 15625 इंटू 4/5 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक बच्चों। अब आपका इसमें ए क्या है, ए है 15625 इंटू 4/5, ये आपका ए है। और आर क्या है, आर है आपका 4/5, और आर कैसा है, 1 से छोटा है। हालांकि यहाँ पर सम थोड़ा ही निकालना है हमें, तो एन निकालना है, यानी ए 5 चाहिए, है ना, ए 5 चाहिए। तो ए 5 क्या होगा, ए आर टू दी पावर 4, ओके। अभी ए कितना है, ए है 15625 इंटू 4/5, ये आपका ए है। और आर कितना है, 4/5, एन माइनस 1, तो 4 हो गया, ये है कि नहीं। अभी कितना हुआ 15625 इंटू, ये आपका हो गया 4 to the power 5 एंड 5 to the power 5, ठीक है। तो 15625 इंटू, आपको पता है 5 to the power 4 कितना होता है, 625, इसमें एक 5 और लगा दो तो पावर 5 बन जाएगा, तो ये होता है 3125, ये भी मुझे याद है। तो ये हो गया बेटा 3125, ठीक है। और 4 to the power 5, देखो 4 to the power 4 तो होता है 256, इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 are 24, 4 5 are 20 और 1024, ओके, यहाँ लिख दिया मैंने 1024। और 3125 को आप, चलो पहले 5 से करते हैं, 5 6 are 30 है तो 625 आने वाला है, ये कितना आने वाला है 5 3 are 15, 5 1, देखो ये आ गया, हाँ मतलब ये डबल है इसका, नहीं 5 times है, सॉरी इंटू 5 करने से, ठीक है। अब 5 into 1024 तो ये हो गया 5120, मुझे दिख रहा है क्योंकि 24 × 5 = 120 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यानी सोचिए 15625 रुपए वाली मशीन 5 साल बाद बेचोगे तो कितने की बिकेगी, 5120। कई बार कहते हैं ना मैथ्स में इसका क्या यूज़ है मैम, डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो कितना अच्छा यूज़ है ना। अभी तो उन्होंने 5 साल के लिए पूछ लिया, ज़्यादा साल के लिए भी पूछ सकते थे, कुछ भी पूछ सकते थे, तो हम बता देते, ठीक है। अब मुझे बच्चों याद है एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एक्सरसाइज 9.3, ये मैंने आपको इस तरह से समझाया था, मुझे याद है, हाँ ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। इसको भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकती है, जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ से पहले 1 के लिए ले लिया, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, तो डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट लगाओगे यहाँ पर, तो पहले आएगा P, तो जो भी है 500 है, 1 + R 10 है, 10/100 से तो हो गया 0.1, 1 + 0.1 तो ये बन गया 1.1, है ना। एक बार के लिए 1 लगा दो, दूसरे साल के लिए 2 लगा दो, तीसरे साल के लिए 3 लगा दो। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने समझाए थे ना, ये मेहनत भी आप सेव कर सकते हो,
ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32. ओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए. दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, और तथा इस प्रकार अन्य अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते, अधिक वर्ड रह गया था, अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं. ठीक है, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूर्ण किया गया. अभी समझाती हूँ आपको. 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज. 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे, एंड सो ऑन. इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क. फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड. ओके, सुनिए जरा ध्यान से. आप लिखेंगे सबसे पहले कि लेट 150 वर्कर्स वर्क रेगुलरली, देन दे कंप्लीट या फिनिश द वर्क इन एन डेज. ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे. माना 150 वर्कर्स को कर्मचारी, है ना, 150 कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं तब कार्य पूर्ण होता है, कार्य पूर्ण होता है एन डेज में. ठीक है, एन दिनों में. ओके, यहाँ तक आ गया. नाउ ठीक है, देखना 150 प्लस वन, एक पाइम लिखो. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप, दी गई स्थिति के अनुसार. क्या है बेटा, देखो अगर 150 व्यक्ति डेली काम करते हैं, ठीक, तो वो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, एन डेज में. यानी डेली आज एक व्यक्ति, आज 150 लोगों ने काम किया, कल फिर 150 लोगों ने किया, फिर 150 लोगों ने किया, कुल मिलाकर एन दिनों तक ये लोग काम करते रहे और काम पूरा हो गया. इतना समझ गए. अब यहाँ पर क्या है, पहले दिन तो 150 लोगों ने किया, दूसरी कंडीशन है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे 4 काम हो गए, उसके बाद 4 और कम हो गए, उसके बाद 4 और कम हो गए, इस तरह से ये कम होते गए, फिर कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, एन प्लस 8 हो गए, है ना, 8 दिन एक्स्ट्रा लग गए. इतना समझ गए, 150 लोग अगर डेली करते तो एन दिन लगती, लेकिन 4-4 कम होते जा रहे हैं तो दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 8 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, अब ये कितना टाइम लेने वाले हैं, एन प्लस 8. इधर का लेफ्ट हैंड साइड का सम कितना होगा, 150 इंटू एन होगा, 150 आप एन टाइम्स ऐड करोगे. यहाँ पर बेटा एक एपी बन गई, है ना, इस एपी का ए कितना है, 150 है, डी कितना है, -4, डी है -4, और एन कितना है, एन है एन प्लस 8, है ना. अब इसका सम निकालते हैं, ये हो गया एन प्लस 8 अपॉन 2. ओके, अब यहाँ होगा 2a प्लस एन माइनस 1 होता है, तो एन प्लस 8 माइनस 1, और फिर डी कितना, डी -4. गॉट इट. अब एक काम करो, 2 इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 300n. यहाँ पर n प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर 300 माइनस 4n. अच्छा बेटा 8 माइनस 1 से कितना होगा, 7 होगा, है ना, और 7 इंटू माइनस 4 हो गया -28. ठीक है, अभी 300n n प्लस 8, ये आपका आ जाएगा 272 माइनस 4n. ठीक है, ओपन करते हैं. 300n is equal to 272n minus 4n square plus 2176. ठीक है, और minus 32n.
ओके एक बार चेक कर लूँ, 8 2 16 8 7 56 और 1 57 8 2 16 और 5 21। अभी इसको इधर लेकर आ जाओ, 4n² हो गया इसको। अच्छा पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, +300n इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 240n रहने वाला है। अरे ज़रा सी बात के लिए क्यों रोक लिया मैंने, इसको भी इधर ले आओ। अब ये हो गया 4n². अभी मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 240 माइनस कर दिया तो 60n, ठीक है। और 2176 इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 4n² प्लस 15x, है ना, ये माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस 4 5 20 4 4 16 5 44। ओके यहाँ पर फैक्टराइज करना मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। b² माइनस 4ac आता है ना आपको पहले से, अपॉन 2 माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 225, 4 4 16, ये आ गया 2176, यहीं से तो लिया था हमने, है ना, अपॉन 2। नाउ माइनस 15 प्लस माइनस एट देम 0 4 2 2401। हाँ ये मुझे याद है बेटा, 2401 इज द स्क्वायर ऑफ 49, ये मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। हाँ n, तो ये हो गया माइनस 15 प्लस माइनस 49 अपॉन 2। अब बच्चों माइनस वाला केस लेना तो यूजलेस है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डेज, और दिन तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकते, तो केवल एक ही केस लेंगे हम, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, है ना। तो ये आ गया आपका 34/2 यानी कि 17। ओके मतलब अगर ये 150 वर्कर्स डेली काम करते ना तो 17 दिन में काम को ख़त्म कर देते। बट अब ये जो नया सिनेरियो है, नया कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अब डेज कितने लग रहे हैं, ठीक है। अब इसको शब्दों में लिख लेना कि अगर प्रतिदिन 4 कर्मचारी कम हो जाते हैं तब लगने वाले दिनों की संख्या, ठीक है। व्हेन द वर्कर्स डिक्रीजेज बाय 4 डेली देन नंबर ऑफ डेज विल बिकम, कितने दिन लग जाएंगे, 17 + 8, ठीक है ना, 25 दिन। 5 व्यक्ति रोज कम हो जाए तो 25 दिन लग जाएंगे। हुर्रे, चैप्टर 9 फिनिश कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, दैट इज स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। सो टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।